अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आज, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। जमीन पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसान के दिल में दूसरों के लिए है। किसी भी इंसान को दोबारा ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगले इंसान की मिन्नतें करना, अपनी ज़ात को बेमोल करना, खुद के साथ बहुत जुल्म है। कोई इंसान आपको धतकारता है तो ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि ना तो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है और ना ही इज्जत है। और इस फ़ानी ज़िंदगी में मोहब्बत हो या ना हो, इज्जत ज़रूर होनी चाहिए। जो लड़की घर में पहनने वाले आम से जूते के लिए 40 डिग्री में पूरा बाजार खंगाल सकती है, वो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला 2 मिनट में लेती है तो उसके इस फैसले को मामूली नहीं समझना। सारे फरिश्ते ही मिले हैं हमें, तो कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हम ही गलत होते हैं। नसीब से हार गया मैं, वरना लाडला तो मैं भी बहुत था। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में तब्दील हो जाए, और क्या पता तुम्हारा कल आज से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो, अल्लाह अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। सबसे भारी जनाजा मुर्दा मोहब्बत का होता है, जिसे ना ज़मीन कबूल करती है, ना आसमान कबूल करता है, ना ही समंदर। रूह जिस्म के खाली पिंजरों में फड़फड़ाती रहती है, बिल आखिर उम्मीदें कफन ओढ़ कर दम तोड़ देती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। उस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता है? क्या दुनिया मुझसे ज़्यादा तुम्हें नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं, तो मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिस्क भेज देता हूँ। हाँ, इसमें कुछ वक्त लगेगा, कभी थक के रो दूंगा तो कभी वापस तुम्हारी याद का सहारा ले लूँगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन ये सिलसिला तोड़कर तुम्हारी यादों और वजूद की कैद से खुद को रिहा करवा लूंगा। कभी कभी अल्लाह के आगे हाथ फैला के ऐसे बैठ जाता हूँ, उस वक्त मेरे पास जुबान से अदा करने को कोई अल्फाज नहीं निकलते, बस अल्लाह के सामने रोना आ रहा होता है। और फिर वही अल्लाह ही तो है जो खामोशी में छुपे सब अल्फाज समझ लेता है। वह अल्लाह पाक सब जानता है, और वही अल्लाह तो है जो अपने गुनाहगार बंदों की खामोशी में छुपे अल्फाज समझकर अपना कर्म कर देता है, खामोशी भी समझ लेता है। बाज़ दफ़ा हमें जहनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वालों को कभी दोबारा देख नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर यही बात होती है। अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और जहाँ तक बात है सब्र की, सब्र तो आते आते आ ही जाता है, और जब सब्र आता है ना, होंठों की हंसी, आँखों के आंसू, दिल का सुकून कुछ महसूस नहीं होता, फकत एक शय रहती है और वो है खामोशी। और रही बात जिंदगी की, तो सुनो, ज़िंदगी आसान किसी की नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल जाता है और किसी की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। आपकी मसलियतें तो मुझे समझ नहीं आती अल्लाह, मगर मेरा दिल आपके फैसलों पे यकीन रखे हुए है। वो ऊपर बैठा खालिक है ना, वो कहानी बदल भी सकता है, वो मेरी सब दुआएं कबूल कर सकता है। और याद रखो, चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कभी भी ताल्लुक टूटा नहीं करते। और याद रखो, ये दुनिया बहादुर और डेयरिंग लोगों के लिए है जो आगे बढ़ें और उसको अपनी मस्बत सोच से फतह कर लें। ये दुनिया उम्मीद रखने और ख्वाब देखने वालों की है। बहुत सी औरतें गिरती हैं और बहुत सी गिर के उठती हैं, मगर जीतती सिर्फ वो हैं जो हंस के उठने वाली हों। वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है। ये लफ्ज़ जहाँ ये रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत के दावों की सच्चाई और अरूज व जवाल में लोगों के अंदरूनी रंगों से पर्दा उठाता है, वही ये हमें हमारी हिम्मत से भी आशना करवा देता है कि हमारे अंदर के इंसान में हौसला और बर्दाश्त किस कदर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।